अगर आप सीरियस नहीं हो आप इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हो एंड अपना टाइम वेस्ट करना कंटिन्यू रख सकते हो। बट जो स्टूडेंट सीरियस है, अगर उसको इसी साल हर हाल में आरबीआई ग्रेड भी क्लियर करना है, आई डू नॉट केयर चाहे आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, चाहे आप एक फ्रेशर हो, आप पहली बार आज से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो, या फिर आप पहले आरबीआई ग्रेड भी दे चुके हो बट आपका क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी अब डिस्कस करेंगे हम, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको आज से जिस स्टूडेंट ने फॉलो कर लिया, इजिली आप इसी साल आरबीआई ग्रेड भी फेज वन फेज टू दोनों में सिलेक्शन लोगे, इंटरव्यू भी देके आओगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे। तो अब आपको कितने टाइम तक पढ़ना है डेली बेसिस पे, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 10 से 12 घंटे आपको देने हैं, बिकॉज इतना ज्यादा टाइम पढ़ने से आपका माइंड सैचुरेट हो जाएगा एंड आपके जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो आपका माइंड रिटेन नहीं कर पाएगा। आपको डेली 4 से 5 घंटे प्रिपरेशन को देने हैं, आज से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर सोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी के लिए हार्डवर्क करते हैं बट वो लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज वो लोग फ्री सोर्सेज से प्रिपरेशन करते रहते हैं या फिर कोई ऐसा कोर्स ले लेते हैं कोई एडवर्टीजमेंट देख के, जिस सोर्स से उनका सारा सिलेबस तो कवर हो जाता है बट उनकी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। जो सोर्सेज कॉमनली आपको एड्स में देखने को मिलते हैं उसमें सारा सिलेबस आपका कवर हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है हाँ मेरा पूरा सिलेबस कवर्ड हो गया है, अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरा क्लियर हो जाएगा ग्रेड भी, बट एग्जाम का लेवल ये होता है। इस वजह से जो गैप रह जाता है ना, उनका सिलेबस तो कवर हो जाता है बट गैप होता है एग्जाम के लेवल में और जो कंटेंट उन्होंने फॉलो करा होता है उसके लेवल में, इसी वजह से स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम में। जब क्वेश्चन देखते हैं ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है बट ऐसा क्वेश्चन मैंने इस लेवल का आज तक सॉल्व नहीं करा, ना इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन हुआ जो मैंने कंटेंट फॉलो करा उसमें, इसी वजह से गैप रह जाता है एंड वो लोग क्लियर नहीं कर पाते। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेज वन फेज टू दोनों क्लियर करे, मैंने एक एग्जाम लेवल के सोर्स से अपनी तैयारी करी थी जिससे मेरी एग्जैक्ट आरबीआई ग्रेड बी के लेवल की प्रिपरेशन हो गई थी फेज वन फेज टू दोनों की। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने कौन सा कोर्स फॉलो करा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बिगिनर टू बैंकर कोर्स, उससे मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, उसमें सारे मॉक टेस्ट भी गिवन थे डिस्क्रिप्टिव के भी, ठीक है, तो उससे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो उसके बाहर से मेरा एग्जाम में आया था। फेज वन भी मेरा इजीली क्लियर हुआ, फेज टू भी मेरा क्लियर हुआ। जब मैं एग्जाम में क्वेश्चंस देख रहा था इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लेट से, उसका जो क्वेश्चन आया डिस्क्रिप्टिव का, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर चुका था ऑलरेडी कोर्स में, इस वजह से मैं कहीं भी एग्जाम में स्ट्रक नहीं हुआ। तो अगर कोई स्टूडेंट आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए सोर्स ढूंढना चाहता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बेस्ट सोर्स है जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड आप इसे वहां से जाके ले लीजिएगा। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी वो लोग इस सोर्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं बहुत से, एंड वो लोग डेली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो अगर आपके पास पहले से ये है तो आपको आज एक प्लान मिल जाएगा जो आपको फॉलो करना है, अगर आपके पास नहीं है ये तो आज से इसको लेके ये प्लान आप स्टार्ट करेंगे। एक जो आपके मन में डाउट है क्या आज से तैयारी स्टार्ट करके सिलेक्शन लिया जा सकता है, डेफिनेटली लिया जा सकता है, राइट सोर्स और राइट स्ट्रेटजी। राइट सोर्स मैंने आपको बता दिया, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा, फेज वन फेज टू दोनों की तैयारी हमारी एक साथ हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इससे आपके ऑब्जेक्टिव लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे एंड आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसी कोर्स के अंदर बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर ESI का एक सेक्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, इसमें आपको सबसे पहले डेली बेसिस पे एक लेसन पढ़ना है, इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो डेली एक लेसन इसमें से आपको पढ़ना है, उसमें आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा, डेली बेसिस पे आपको उसको कवर करना है, वन लेसन डेली। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसका एक सेट प्रैक्टिस करोगे, उसमें एग्जैक्ट वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एंड बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे 2021 में कोई क्वेश्चन पूछा गया वही किसी और फॉर्म में चेंज करके ट्विस्ट करके 2023 में पूछ लिया गया, वो सब एग्जैक्ट क्वेश्चन इस कोर्स के अंदर गिवन है, वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये कोर्स बताया। तो इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है डेली एक सेट आप प्रैक्टिस करोगे फॉर ESI means इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन खोलोगे इसी कोर्स के अंदर, वहां से आप अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आप नए हो डिस्क्रिप्टिव में आपको टाइप करना होता है 400 वर्ड्स का आंसर 600 वर्ड्स का आंसर कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे, तो पहले आप उसमें सीखो कि कैसे डिस्क्रिप्टिव का आंसर प्रॉपरली लिखना है, उसमें आपको सिखा रखा है हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव प्रॉपरली, पहले आप वो देखिए, अगर आपको क्लियर है कि कैसे लिखना है फिर आप वहां से मॉक देना शुरू कीजिए। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप बार बार मॉक टेस्ट देते रहो, नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे,
डेली बेसिस पे एक मॉक आपको डिस्क्रिप्टिव का जरूर देना है आपसे फॉर ESI। इसके बाद अपने आंसर्स भी चेक कीजिए, इसमें जो मॉक टेस्ट है उसके बाद आपको प्रॉपर आंसर भी दिया जाता है कि क्या इसका एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए था। लेट्स से इंडियन इकोनॉमी भी एक क्वेश्चन दे रखा है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आपने उसको आंसर करा, अपना आंसर टाइप कर दिया, आपने उसको सेंड कर दिया, तो वो लोग उनके एक्सपर्ट उसको चेक करके आपको करेक्ट आंसर भेजेंगे आपके ईमेल पे। एंड इसी के साथ उसी में एक परफेक्ट आंसर भी दे रखा होगा, उससे आप अपने आंसर मैच करके देखिए कौन से पॉइंट्स थे जो मैंने मिस कर दिए, कौन से पॉइंट्स थे अच्छा ये मैंने सही लिखा, ये बॉडी ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप तभी सीखोगे जब आप एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव का मॉक डेली एक देना है, डेली एक ऑब्जेक्टिव का सेट सॉल्व करना है, डेली उससे पहले एक लेसन पढ़ना है ESI का। सेम स्ट्रेटजी अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। कोई स्टूडेंट मुझसे कह रहा था सर इस कोर्स के अंदर सिर्फ फाइनेंस के टॉपिक दे रखे हैं, मैनेजमेंट के नहीं दे रखे। ये एक प्रोग्रेस बेस्ड कोर्स है, जब आप इसमें जो गिवन लेसन है उनको सब कंप्लीट कर लोगे, गिवन जो मॉक्स है उन्हें कंप्लीट करोगे, तो इसमें नेक्स्ट लेवल अनलॉक होगा। सो इट इज बेस्ड ऑन योर प्रोग्रेस, जितनी जल्दी आप चीजों को कवर करोगे उतनी जल्दी नया कंटेंट भी अनलॉक होता रहेगा। पूरा सिलेबस डिटेल में कवर्ड है इसमें, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में डेली एक लेसन पढ़ेंगे हम, ठीक है। सारे टॉपिक्स इसमें लेसन वाइज गिवन है, तो डेली एक लेसन पढ़ा उसमें से। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव का सेट सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव का सेट सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, यानी कि MCQ फॉर्मेट में जो लेसन आपने पढ़ा उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेट है उसके साथ उसको आप सॉल्व कीजिए। उसमें 20 क्वेश्चंस अराउंड गिवन होते हैं, जैसे ESI में 20 क्वेश्चंस का सेट था इसमें भी होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर अपने आंसर्स को मैच कीजिए। सारे आंसर्स भी इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। जब आपने आंसर्स को मैच कर लिया उसके बाद आप आ जाइए डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल देखिए या तो कि किस तरीके से सॉल्व कर रखा है, सीखिए कि किस तरीके से एक प्रॉपर आंसर हमें ड्राफ्ट करना है 400 वर्ड्स का 600 वर्ड्स का। उसके बाद एक मॉक दीजिए, एक मॉक में आप क्वेश्चन देखिए एंड उस टाइम लिमिट के अंदर उसको सॉल्व कीजिए। एक और बात, इसमें जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं इस कोर्स के अंदर, बेस्ट बात मुझे जो लगी थी जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था कि एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में इसमें मॉक टेस्ट चलता है जैसे एक्चुअल जब आप RBI ग्रेड भी देने बैठोगे ना, बिल्कुल वही फॉर्मेट, वैसे ही टाइमर चलता है, स्क्रीन का लेआउट बिल्कुल वैसा होता है। जब आप वर्ड्स टाइप करते हो नीचे वर्ड काउंटर दे रखा होता है जैसे एग्जाम में होता है, तो आपको सब पता चलता रहता है कि इस तरीके से मेरा एग्जाम में आएगा। जो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर भी दे रखे हैं और इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर 2024 जो आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स के इसमें मॉक दे रखे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट ये वाले मॉक्स दे लेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो कोई अगर टॉपिक आ गया वहां पे क्वेश्चन का ESI का डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चंस आप करके गए होगे उस टॉपिक पे, तो सारे इस साल के रेलेवेंट है क्योंकि हर साल ये लोग अपडेट करते हैं। मुझे कैसे पता है, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था 2021 में इस कोर्स से, तो इसमें हर साल अपडेट होके आते हैं, तो अब 2024 का ये लेटेस्ट वर्जन है। ESI का मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का बता दिया, इन दोनों में बस इतना करना है, ठीक है। अब जो तीसरी चीज है वो है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पार्ट, तो इसमें इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूरा सिखा रखा है कि कैसे लेटर एस से कैसे प्रीसीज राइटिंग करते हैं, ठीक है। पहले आप उसमें समझिए कि कैसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है अपने आंसर को, फिर आप डेली बेसिस पे एक मॉक देना स्टार्ट करेंगे आज से। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का डेली एक मॉक आप देंगे, इसी के अंदर क्वेश्चंस हैं, इसी के अंदर एक्सप्लेनेशन भी है। जब आप अपना आंसर सबमिट करते हो तो टीचर उसे चेक करके वापस आपको भेजता है, आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं, एंड आप अपने आंसर को एक प्रॉपर आइडियल आंसर से मैच करके भी देख लेते हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये जो चार टॉपिक हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे आपके फेज वन में। अब इनकी स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूँ मैं, आपको अभी डिस्क्रिप्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ फेज टू ये सब हम अभी तक हम कवर कर चुके हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है, फॉर फेज वन पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट होने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, मैच द कॉलम्स, इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी कोर्स के अंदर इंग्लिश सेक्शन दे रखा है, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन को जब आप खोलोगे उसमें टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, उसके बाद स्पीड ग्रामर ई बुक, ये सब बुक्स आपको मिल जाएंगी डिजिटली जो आपके फोन में ही ओपन हो जाएंगी। ये कोर्स लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगा एंड आपके मोबाइल फोन में भी ओपन हो जाएगा, एंड्रॉयड या फिर आईफोन जो भी है। तो इसके अंदर आप टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश खोलोगे, उसमें से आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एग्जैक्ट वो लेवल के क्वेश्चन है जो आपके RBI ग्रेड बी में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको और कोई फ्री के PDF में, फ्री के सोर्स में, या कोई जो कॉमनली अवेलेबल एड्स जो आते रहते हैं आजकल कोर्सेज के, उसमें अवेलेबल नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप एग्जाम में बैठोगे,
इंग्लिश का जब फेज वन में आपका क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आप करके गए होगे, आपको पता होगा हाँ टॉपर सी बुक में बिल्कुल इस लेवल का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था। तो इस तरीके से डेली 10 क्वेश्चन आपको टॉपर सी बुक से करने हैं, इसके बाद टॉपर सी बुक से ही आपको 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम याद करने हैं। उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो ई बुक है इसी में इंग्लिश सेक्शन में, उसमें से आपको डेली 5 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करने हैं। एग्जैक्ट आरबीआई ग्रेड बी के लेवल के जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए, हर चीज का सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइडेड है, अपने आंसर्स चेक कीजिए बार बार करके। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपर्स ई बुक, 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स ठीक है फ्रॉम टॉपर्स ई बुक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ई बुक से 5 सेट ऑफ आरसी, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग क्वेश्चन, इसमें आपको सिखाया भी गया है कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो वो भी सीखिए इसी के अंदर से, आपको टिप्स बताई हुई है ट्रिक्स बताई हुई है तो वो भी सीखिए, एंड 5 सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपने आंसर चेक कीजिए। अब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया जो आना ही आना है, तो आपको आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे कि कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो स्पीड ग्रामर ईबुक जो इसमें गिवन है उसमें से डेली 3 पेज आपको पढ़ने हैं, उसमें आपको सारे ग्रामर के रूल्स उनके एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर रखे हैं। जब आप 3 पेज डेली पढ़ोगे 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे ठीक है, तो उससे आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश में आपको बस इतना करना है और कुछ भी फॉलो नहीं करना, एंड इसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, तो डेली आप अगर 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते जाओगे फेज वन के इंग्लिश के, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग, तो जो इसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है ना, जो स्टूडेंट बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं SBI IBPS, उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि बिल्कुल ये उसी लेवल की आती है जो SBI PO IBPS PO में आती है। तो इसी कोर्स के अंदर मैथ्स का अलग सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, रीजनिंग का अलग है, रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। उसके अंदर से डेली आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 10 मैथ्स के कीजिए 10 रीजनिंग के कीजिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो इसमें बेसिक के भी क्वेश्चन दे रखे हैं अलग से, बेसिक्स ई बुक फॉर क्वांट, बेसिक्स ई बुक फॉर रीजनिंग, जिसका नाम है यहाँ पे टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग। तो 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैथ्स के कीजिए, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन रीजनिंग के कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए 10-10। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप प्रीवियस ईयर डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इसी कोर्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा रखी हैं आपको, वीडियोस हैं छोटी छोटी हर टॉपिक की, मैथ्स की और रीजनिंग की, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कैसे 10 से 12 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो ठीक है। तो डेली आप एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी देखिए। अगर कोई स्टूडेंट है उसका बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है तो किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 30 मिनट डेली, 30 मिनट्स आप यूट्यूब पे दीजिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको यूट्यूब पे वेस्ट नहीं करना है। उसमें यूट्यूब पे आप कोई भी टीचर की वीडियो उठाइए, अपने टॉपिक को सर्च कीजिए एंड 30 मिनट्स वो वीडियो देखिए, बेसिक समझिए ठीक है। सिंप्लीफिकेशन टाइप कीजिए यूट्यूब पे, सिंप्लीफिकेशन बेसिक्स फॉर RBI, वीडियोज आ जाएंगी बहुत सारी अलग अलग टीचर्स की, कोई भी एक वीडियो देख लो सब सेम ही है ठीक है, बेसिक को समझ लो बस आधे घंटे। उसके बाद इस कोर्स को खोलो, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखो, शॉर्ट ट्रिक्स सीखो, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 10 इसी कोर्स के अंदर, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसी कोर्स के अंदर, बस इतना करना है मैथ्स में। रीजनिंग में भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है आधा घंटा यूट्यूब को दीजिए, वहां से बेसिक समझिए, उसके बाद आप इस कोर्स में आइए, यहां से शॉर्ट ट्रिक की एक वीडियो देखिए, एक टॉपर सी बुक का खोल के एक सेट सॉल्व कीजिए 10 क्वेश्चंस का, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। कैसे स्पीड बनेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी सर फेज वन के लिए, आप ना अपने आप को एक टाइमर दीजिए, एक टारगेट दीजिए, जब आप इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, आप अपना टारगेट रखिए कि 5 क्वेश्चन आपके 3 मिनट्स में सॉल्व होने चाहिए। अगर आप इस कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप 3 मिनट्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, वेल एंड गुड, आप इजीली एग्जाम क्लियर करोगे, एग्जैक्ट RBI लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर आप और किसी कोर्स को फॉलो कर रहे हो या फ्री की PDF सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपके क्वेश्चन बन भी गए ना, अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर ने पूरी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, मैं यही स्ट्रैटेजी इस सोर्स के अलावा और किसी कोर्स से या फिर अपने किसी फ्री सोर्स से किसी फ्री PDF से फॉलो कर लूंगा, उससे क्या होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी, क्योंकि आप एग्जाम लेवल कंटेंट से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, स्ट्रैटेजी तो सही फॉलो करी लेकिन सोर्स सही फॉलो नहीं करा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी भी जरूरी है, सोर्स भी जरूरी है, दोनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसी को फॉलो कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, बस इतना इतना करना है आपको, सिर्फ बचा जनरल अवेयरनेस। इसी कोर्स के अंदर आपको स्टैटिक GA की 301 MCQ बुक दे रखी है, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते हैं। इन सारे टॉपिक्स के डेली आप 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आज से करेंगे,
अपने आंसर इसमें चेक करेंगे एंड इसी के साथ संडे को आप इन्हें रिवाइज करेंगे। अब ये जो टॉपिक्स हैं 301 टॉपिक्स के अराउंड जो एमसीक्यू हैं इसमें, इन टॉपिक्स को आपको डेप्थ में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप गूगल कीजिए इन टॉपिक्स को, 10-15 मिनट डेली बेसिस पे दीजिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, उनको जानने की कोशिश कीजिए, ताकि जरा सा अगर ट्विस्ट करके दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इसमें आरबीआई, फाइनेंशियल प्लानिंग, एवरीथिंग इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए आप। बाकी जीए में जो आप ईएसआई और एफएनएम से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपके फेज वन में आ सकते हैं जीए सेक्शन में, ठीक है। तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको आज से डेली बेसिस पे फॉलो करनी है, 4-5 घंटे में ये हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए क्या करें, इसी कोर्स के अंदर वीकली करंट अफेयर्स का एक सेक्शन है जो इसी के साथ अवेलेबल है, उसमें आपको वीकली बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं, वहीं से आप इसको याद करते हुए चलेंगे एंड रिवाइज करते हुए भी वहीं से चलेंगे। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो डेली बेसिस पे। बाकी जो जीए है उसमें स्टैटिक बैंकिंग और स्टैटिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब आएगा। इसके अलावा आएगा करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर आपके लिए इनफ है। तो आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हो। मार्च 2024 से आप अपना सीए कवर कीजिए, इसमें जो वीकली करंट अफेयर है वो स्टार्ट हो गए होंगे, वहां से आप डेली बेसिस पे करते रहिए कोर्स के अंदर। ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है, इसमें मैंने मॉक्स को कहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इंपॉर्टेंस दी है। आपको फेज वन के लिए मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ्स के, देखिए 3 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। आप स्टॉप वॉच लगाइए अपने फोन में, चेक कीजिए अगर बन रहे हैं इस कोर्स के अंदर, तो डेफिनेटली आपको स्पीड आपकी आ चुकी है। ये स्ट्रैटेजी जिसने आज से फॉलो कर ली, ये पूरा प्लान ESI, मैथ्स, FNM, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GA, ये जो जिसने फॉलो कर लिया आज से जो मैंने बताया, इजीली आप इसी साल सिलेक्शन ले रहे हो। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, अगर आप सोच रहे हो मैं इसको कल से शुरू करूंगा, मैं इसको नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन से कुछ नहीं होगा। जो स्टूडेंट आई विल डू इट टुमारो इस टाइप का माइंडसेट रखते हैं, वो लोग बाद में जाके रिग्रेट ही करते हैं कि मैंने अपनी मेहनत उस टाइम पे क्यों नहीं करी। जो स्टूडेंट आज से इसको फॉलो कर लेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा ना आरबीआई ग्रेड बी का, तो वो पीछे मुड़ के देखेगा कि बिल्कुल सही टाइम पे मैंने सही स्ट्रैटेजी एंड सही कोर्स से अपनी प्रिपरेशन कर ली थी, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। फेज वन भी मैंने क्लियर करा, फेज टू भी क्लियर करा, मेरा आरबीआई ग्रेड बी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप सीरियस हो इसको आज से स्टार्ट कर दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन आरबीआई ग्रेड बी 2024। लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक गिवन है, जहां से आप इसे लेके आज से स्ट्रैटेजी स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट।